हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोलेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो इंटरपोलेशन होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5। ठीक है, और इस पर हमें कैलकुलेट करना है वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। मतलब कि हमारे पास एक्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवेन होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटरपोलेशन के अंदर, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंट टेबल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट फार्मूला और इसको बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों किस कैटेगरीज में आता है। ठीक है, इक्वल्स इंटरवल के कैटेगरीज में आता है। ठीक है, ये जो दोनों टेबल्स है, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, ये दोनों इक्वल्स इंटरवल के कैटेगरीज में आता है। ठीक है, इक्वल्स इंटरवल के कैटेगरीज का मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक्स का सीरीज है और जो वाई का सीरीज है, इन सीरीज के बीच के अंदर जो डेटा है, जैसे वाई का डेटा है और यहाँ पर एक्स का डेटा है। ठीक है, तो इन डेटा के बीच में जो डिफरेंट होगा इक्वल्स होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर दो का डिफरेंस है इन दोनों डेटा के बीच में, तो यहाँ पर भी दो होगा डिफरेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल्स इंटरवल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट टेबल कैसे बनाते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होता है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट को हम एफ डी से लिखते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एफ डी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, ये हमारा डेल्टा का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मान लो एक सीरीज है, यहाँ पे वाई सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज का वैल्यू है, यहाँ पे वाई सीरीज का वैल्यू है। ठीक है, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एन तक हो सकता है। ठीक है, और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट में हम इस सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉलम बनाऊंगा, कॉलम बनाने के बाद मैं न्यूटन फॉरवर्ड फर्स्ट डिफरेंट निकालूंगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंट, इसको बोलते हैं सेकंड डिफरेंट और ये है हमारा थर्ड डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, तो हम फर्स्ट डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे न्यूटन फॉरवर्ड फर्स्ट डिफरेंट और यहाँ पे वाई जीरो का वैल्यू आएगा फर्स्ट सभी कॉलम्स के अंदर। ठीक है, वाई जीरो का वैल्यू लिखने का मतलब क्या है कि हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट पे हम सभी कॉलम्स का फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वाई जीरो वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट डिफरेंट में वाई जीरो का वैल्यू, वाई वन का वैल्यू और वाई टू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे निकलेगा वाई वन, वाई जीरो, वाई वन की वैल्यू, वाई वन में से हम वाई जीरो को माइनस करेंगे। तो देखो वाई वन में से वाई जीरो को मैं माइनस करूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंट वाई जीरो की वैल्यू। ठीक है, और इसको मैं इन दोनों को सेंटर में लिखूंगा, बीच में। ठीक है, अगेन मैं वाई टू से वाई वन को माइनस करूंगा तो मेरा फॉरवर्ड डिफरेंस का वाई वन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो वाई जीरो का वैल्यू निकला है, यहाँ पर वाई वन का वैल्यू निकला है। ठीक है, नेक्स्ट मैं वाई थ्री में से वाई टू को माइनस करूंगा तो फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पे वाई टू का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई थ्री में से वाई टू को माइनस किया, यहाँ पे फॉर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का वाई टू का वैल्यू निकला। ठीक है, ये हमारा वन वन बताता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस में मैं फर्स्ट डिफरेंस निकाला हूँ। ठीक है, अब मैं सेकेंड डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पर डेल्टा के ऊपर यहाँ पर मेरा टू आएगा। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर सेकेंड डिफरेंट वाई जीरो की वैल्यू निकलेगा मेरा, यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंट वाई वन में से फॉरवर्ड डिफरेंट वाई जीरो की माइनस करूँगा वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस वाई वन में से मैंने माइनस कर दिया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंट वाई जीरो की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फॉरवर्ड सेकेंड डिफरेंस वाई जीरो की वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसी टाइप से मैं यहाँ पर वाई वन का वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसमें से इस वाले को माइनस करूंगा। ठीक है, तो वाई टू में से मैं वाई वन का मानू का माइनस करूंगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस किया तो मेरा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंट वाई वन का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसी टाइप से मैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंट की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाई जीरो का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर डेल्टा के ऊपर यहाँ पर थ्री होगा, मतलब कि हम थर्ड डिफरेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाई वन में से y2 को मैं माइनस करूंगा सेकेंड डिफरेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस किया तो यहाँ पे y0 की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहीं पे मैं इंड करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इसको आपको कंटिन्यू करते चलना है जब तक कि आपको लास्ट टेबल के अंदर आपका यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू नहीं बच जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू बच गया है तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊँगा। ठीक है,
अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो कॉल फॉरवर्ड डिफरेंट है कितना आगे तक जाएगा, तो देखो आप यहाँ पे डेटा काउंट करो, 1 2 3 4, आपका नंबर ऑफ डेटा कितना है 4, तो आपका न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंट का टेबल बनेगा 3 तक। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैलकुलेट किया, सेकंड कैलकुलेट किया हूँ और थर्ड कैलकुलेट किया हूँ, तो जितना डेटा होगा उतना से एक कम तक हमारा यहाँ पर टेबल जनरेट होता है। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं फ्रेंड, मेरा फार्मूला होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे हम y जीरो भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे p फॉरवर्ड डिफरेंस y जीरो की फर्स्ट वैल्यू, p ऑफ p माइनस वन डिवाइड बाई सेकेंड फैक्टोरियल मतलब कि 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की y जीरो की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से p ऑफ p माइनस वन p माइनस टू, यहाँ पे देखो p माइनस वन 1 टाइम्स लिखा है, यहाँ पे p माइनस वन p माइनस टू 2 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा का हम यहाँ पे फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल 3 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड डिफरेंट टेबल्स का वाई जीरो की वैल्यू आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस टाइप से ये फार्मूला हमारा कंटिन्यू चलते जाता है इनफाइनाइट तक, जितना हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, जहाँ पे देखो आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, पी का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एच। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है ये एक्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि आपको कितना एक्स लेना है। ठीक है, एक्स जीरो की वैल्यू होता है फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स कॉलम, जो आपका कॉलम्स है ये टेबल्स के अंदर, जो ये एक्स कॉलम्स है इसका ये फर्स्ट वैल्यू आता है आपका ये एक्स जीरो। ठीक है, उसके बाद एच होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की जो ये आपका टेबल्स है, जैसे टेबल्स के अंदर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो भी वैल्यू होगा इसके बीच में जो डिफरेंस होगा ये सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पर डिफरेंस 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो ये 2 हमारा होता है एच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू रखेंगे, बाकी इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा अपने इस टेबल से। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ठीक है फ्रेंड, देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम फॉरवर्ड डिफरेंस में, फ्रेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं इन सभी टेबल से फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू है, इस कॉलम का ये फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, इस कॉलम का ये फर्स्ट वैल्यू है, इस कॉलम का ये फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड में फर्स्ट ऊपर से वैल्यू पुट करते हैं और बैकवर्ड में मैं नीचे से वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड पढ़ रहा हूँ तो मैं फॉरवर्ड में ऊपर से वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं मार्क लगा दूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा फॉर ऊपर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको अब सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे वाई की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल कराऊंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ये वीडियो जो लंबा हो जाने के कारण मैं इसमें एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।